guys, what's up? Welcome back to my channel. Another day, another video. Today's video is a chit chat. I have a very special guest for today's video. That is my mom, and it is a chit chat video. It's going to be a fun video jahan pe hum log skin care bhi karenge saath mein, and we'll be answering the questions that you guys asked me on Instagram. So it's going to be a very fun video. Before starting with the video, I'm just going to quickly update you guys about the sale that is going on in Amazon. So Amazon mein chal rahi hai Republic Day sale. It started from 17th of January, but Prime members ke liye it started from 16th. So if you guys have to buy something from Amazon, this is the right time to buy. मैंने तो बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट ले लिए हैं, वही आज हम यूज करने वाले हैं. साथ ही साथ मैं आपको सबका प्राइस भी बताती रहूंगी. सो इट्स गोइंग टू बी अ फन एंड एन इन्फॉर्मेटिव वीडियो. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड आज हम बुलाते हैं अपने गेस्ट को. तो हमारे सामने आ चुकी है हमारी गेस्ट. आपने अपने बाल के साथ क्या कर लिया है? हाँ भाई, ये ऐसे कैसे आपने बाल बना लिए? अरे देखा ही नहीं मैंने, क्या नहीं देखा. बट बहुत ही प्यारे और सुंदर लग रहे हैं गेस्ट, और आज भी और भी ज्यादा लगेंगे, बिकॉज बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमें यूज करने हैं, एंड बहुत सारे प्रोडक्ट्स तो ऐसे जो हम यूज करते भी है डे. सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज अप्लाई स्क्रब. तो आई एम यूजिंग दिस वन फ्रॉम द फेस शॉप. दिस इज द जेजू वॉल्केनिक लावा स्क्रब. ये मैंने अभी तक एक ही बार यूज किया है, बट इट इज प्रीटी नाइस. बहुत ज्यादा यू नो माइक्रो टेयर्स करने की संभावना इसमें नहीं होती, बिकॉज बहुत ही फाइन पार्टिकल्स है. आई रियली लाइक इट. चलो लेट्स स्टार्ट. एंड इसी के साथ साथ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एज वेल. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, मधुलिका के जॉब छोड़ने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई? नहीं हुई बिल्कुल भी. बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई. क्यों? पता है, मैं उसने सोच समझ के किया होगा जो भी किया है. ऐसे ही तो मूड नहीं हो रहा है और डिसीजन ले लिया, ऐसा नहीं उसने किया है. अच्छा, तो आपको पता था कि मैं सोच समझ के डिसीजन लूंगी? हाँ हाँ पता था. पता है कोई भी ऐसे फालतू के डिसीजन ऐसे ही नहीं ले लेती है भावनाओं में बह के. ओके, दैट्स अ ग्रेट स्टार्ट टू द क्वेश्चन आंसर. ठीक है, तो आफ्टर अप्लाइंग द स्क्रब ना कैसा लग रहा है स्क्रब पर, आप ये बताइए. मेरी तो स्किन इतनी ज्यादा सॉफ्ट है, तो उसमें ज्यादा वो वाला अच्छा भी नहीं लगता जिसमें मोटे मोटे पार्टिकल्स. तो ये परफेक्ट है क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा फाइन पार्टिकल्स. हाँ फाइन है, तो एकदम अच्छा लग रहा है इससे. नहीं तो मैं तो स्किन ही छिल जाए. तो आई एम गोइंग टू अप्लाई सम वाटर. स्क्रब करने के बाद मैं पहले ही बता देती हूँ कि व्हाट आर द फेस वॉश एंड क्लेंजर दैट वी आर गोइंग टू यूज. तो दिस वन इज फ्रॉम डर्माको, जो कि मैं यूज करूंगी. सिंस मेरा एक्ने प्रोन स्किन है, तो मैं जनरली डर्माको ही यूज कर रही हूँ आजकल, एंड इट इज शोइंग ग्रेट रिजल्ट. सो दिस इज द वन AHA BHA क्लेंजर कॉन्सेंट्रेट फ्रॉम डर्माको. सब कुछ मैंने अमेजोन से लिया है, एंड सबके प्राइसेज आई एम गोइंग टू अटैच ओवर हियर. सो या यू कैन गेट इट एट अ डिस्काउंटेड प्राइस राइट नाउ बिकॉज ऑफ द रिपब्लिक डे सेल दैट्स लाइक. प्लस सेकेंड ऑप्शन जो मम्मी यूज कर रही हैं, वो है द फेस शॉप का ही राइस वाटर वाला क्लेंजर. आई थिंक ये बहुत ही हाइप्ड क्लेंजर है, बहुत अच्छा भी है. इट्स अ फोमिंग फेस वॉश, एंड आई यूज इट जब भी मुझे शेव करना होता है, बिकॉज ये बहुत ही अच्छा बेस प्रोवाइड करता है उसके लिए. सो लेट्स जस्ट गो एंड वॉश आवर फेसेस एंड वील कम बैक. तो वी हैव जस्ट वॉश्ड आवर फेस. काफ़ी अच्छा लग रहा है फेस वॉश करने के बाद, बट क्योंकि हम दोनों की स्किन बहुत ड्राई है, तो बहुत जल्दी फेस वॉश के बाद हमें कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है, बिकॉज वरना बहुत ही खिंची खिंची स्किन हो जाती है. इसके बाद हम लगाएंगे अपना टोनर. सो मैंने टोनर लिया है फ्रॉम प्लम. ये है बल्गेरियन वैली रोज वाटर टोनर, एंड ये बहुत ही प्यारा टोनर है. इससे पहले मैंने बहुत सारे टोनर्स यूज़ किए हैं, बट मेरी स्किन जनरली टोनर लगाने के बाद बहुत जलने लग जाती थी, बट दिस वन इज़ रियली नाइस. तो ये आंखें बंद. चिन पे. इससे थोड़ा सा हाइड्रेशन भी मिलता है स्किन को, एंड यू नो इसको हमें एयर ड्राई करना है, तो एयर ड्राई कर लीजिए ऐसे. क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू डू इफ मधुलिका वाज गे? अगर मैं गे होती तो आप क्या करती? गे तो नहीं होती. हाँ लेस्बियन होती, लड़कियां लेस्बियन होती है सिंस. यस, तो आप क्या करती? पता नहीं है, होती तो उसी से पता चलता क्या करती. अभी सोच के देखिए, अगर मैं आपको बोलती कि मुझे कोई लड़की पसंद है तो आप क्या करती? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. नहीं लगता तो एक्सेप्ट करती मुझे या बेदखल? बेदखल कर देती. हाँ शायद. ठीक है, आई थिंक हमारी जनरेशन इज मच मोर रिलैक्स इन सब मामलों में, बट हाँ, बट एक जनरेशन पहले आई एम नॉट श्योर कोई भी एक्सेप्ट करता कि नहीं, बट यार ठीक है, आई एक्सेप्ट. मतलब मैं क्या बोलूँ, आई एक्सेप्ट योर डिसीजन, आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन. मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट्स सी. एंड साथ ही साथ
आई एम गोइंग टू बी अप्लाइंग द प्लम, आई थिंक ये प्लम का ही हॉल होने वाला है, राइस वाटर एंड नाइसिनामाइड सीरम। ये बहुत ही अच्छा सीरम है, जिसकी ड्राई स्किन है ना बस ले लो ये सीरम, बिकॉज इट इज सुपर सुपर हाइड्रेटिंग। तो अभी हम ये लगाने वाले हैं। इससे पहले मैं नेक्स्ट क्वेश्चन मम्मी के लिए पूछ लेती हूँ, धावा बोल देते हैं मम्मी के ऊपर। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर ओपिनियन ऑन वन नाइट स्टैंड। ये तो मुझे पता ही है आंसर, हाँ मम्मी नो। क्यों, क्या आप सोचती हैं उसके बारे में? देखिए लोग, नई जनरेशन है भाई, नई जनरेशन के बच्चे तो क्या क्या कर रहे हैं क्या क्या नहीं कर रहे हैं पता नहीं, लेकिन मुझे नहीं पसंद है। तो कोई अगर जैसे आपको पता चला कि फलाने की लड़की ऐसी है, नहीं नहीं मैं किसी की भी बेटी को जज नहीं करती हूँ ऐसे, ठीक है जिसकी अपनी जैसी इच्छा है, ऐसा कुछ हो नहीं है, बच्चे अपने हिसाब से आजकल जी रहे हैं, मुझे किसी को जज नहीं करना है, लेकिन मुझे फिलहाल नहीं पसंद है, मैं नहीं चाहूँगी मेरी बेटियाँ ऐसा करें। ओके ठीक है, इसी बात पे सीरम लगा लीजिए। तो ये सीरम लगा के ना मुझे ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाइड्रेशन मिलता है, आई रियली लाइक दिस वन। इसके बाद जरूरत नहीं पड़ती एक्चुअली कि कुछ और ऊपर से लगाओ, क्योंकि इट इज सुपर हाइड्रेटिंग। ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट सीरम होने वाला है अब। तो दिस इज द राइस वाटर एंड नाइसिनामाइड 10% सीरम, जिसको भी लेना है ले लो, ड्राई स्किन वालों को जरूर ले लेना चाहिए ये। ये भी प्लम। नेक्स्ट प्रोडक्ट कोई भी प्लम के नहीं है होपफुली। तो आपको कैसा लगा ये सीरम लगा के? स्किन अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम दोनों की स्किन बढ़ रहा है, तो आई थिंक काफी हेल्प करता है ये। आ गया कैसे ग्लो? ओके, तो सीरम के बाद द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू अप्लाई इज द मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर मैं तो अपना वही रिक्वेल वाला यूज कर रही हूँ, जो मैंने पुरानी वीडियोस में दिखाया था। मम्मी के लिए अभी मैंने फेस शॉप का एक और मॉइस्चराइजर मंगाया, वो फेस इमल्शन कुछ कहते हैं उसे। सो दिस इज द प्रोडक्ट फ्रॉम द फेस शॉप दैट आई गॉट। ये भी Amazon obviously राइस सेरामाइड मॉइस्चराइजिंग इमल्शन इसको बोलते हैं। मैं तो एक्चुअली ये नहाने के बाद पूरी बॉडी पे लगा लेती हूँ, एंड फेस पे आई ऑलवेज यूज ये, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा हाइड्रेटिंग लगता है। बट आई थिंक अब वो प्लम वाला सीरम लगाने के बाद आई कैन गो विद दिस ऑल्सो। बहुत लाइट वेट है, एंड आई थिंक हैवी सीरम है काफी, तो उसके बाद ये लाइट वेट मॉइस्चराइजर बहुत अच्छा लगेगा। सो हियर यू, यही वाला लगाऊं मैं भी? यही वाला लगे, आप तो यही लगाती हैं। इसका एक इशू बस ये निकालने का कोई अच्छा मेथड नहीं है इसका। बस लेट्स गो, अभी मैं भी यही लगा ले रही हूँ, क्योंकि रिक्वेल वाला तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंटी आर यू कंफर्टेबल विद योर मदर इन लॉ? तो आप अपनी सास के साथ कंफर्टेबल? बहुत कंफर्टेबल हूँ। आई थिंक आप तो जिंदगी भर से अपनी सास के साथ रही हैं, जब से आपकी शादी हुई है ना, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बढ़िया है। मेरी मदर इन लॉ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, रोक टोक कि बहू ये मत करो, नहीं 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 बहू यहाँ मत जाओ, नहीं अब तो बहू कहाँ, अब तो इतने साल हो गए। नहीं स्टार्टिंग में जैसे कुछ डिफिकल्टी आपको हुई थी या आपको एडजस्ट बहुत करना पड़ा था? बिकॉज़ आप बहुत, ऐसा कुछ नहीं था। मैं मदर इन लॉ के साथ तो मेरा बढ़िया है रिलेशन। जब मैं, अच्छा बताती हूँ शुरुआत से, जब मैं आई थी शादी करके तो मामा ही मम्मी तो जॉब करती थी, तो इसलिए जो है वो तो अपना दिन भर ऑफिस में ही रहती थी, मैं घर पे ही थी। तो कुछ ऐसा हुआ ही, मतलब कुछ पता ही नहीं चला कई सालों तक। तो वो सुबह चली आती थी, शाम को आती थी, थकी हारी अपना खाए पिए सो गए। तो कोई हम लोग के बीच ऐसा कुछ भी, मतलब कि सास बहू वाला चिड़चिड़ चुड़चुड़ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और वो है भी बहुत ज़्यादा अच्छी, मतलब बहुत केयरिंग। तो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो मैं इनके बोलते बोलते लगा चुकी हूँ, बट इनके मैं लगा दूंगी अभी। इट्स द प्लम कैंडी मेल्ट लिप बाम। तो दिस इज हाउ इट लुक्स। प्लम का एक और प्रोडक्ट बचा था, मुझे पता नहीं था, बट या बहुत ही हाइड्रेटिंग। एनीवे लिप बाम सारे ही मुझे बहुत हाइड्रेटिंग लगते हैं, मुझे कोई एक्सेप्शनल फेवरेट नहीं है, बट इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा स्वीट है। एक दिन मैंने और मम्मी ने लगाया था, मैं लाइक क्या खा लिया ऐसे, इतना मीठा मीठा टेस्ट कर रहा है, इट इज़ वेरी स्वीट। बताइए, ये सारे प्रोडक्ट्स मुझे सूट कर रहे हैं। हाँ, आगे थोड़ा आगे अपनी स्किन दिखा दीजिए कितनी ग्लो कर रही है। सी प्रॉपर स्किन केयर रूटीन है ये हमारा, हम यही प्रोडक्ट यूज करते हैं आजकल, और सारे ही सूट कर रहे हैं। ये वाले तो सारे कर रहे हैं। हाँ। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। तो गाइस ड्राई स्किन वालों चले जाओ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जो भी लेना है ले लो, डिस्काउंट मिलेगा बिकॉज रिपब्लिक डे सेल चल रही है। हैव यू एवर हैड अ बॉयफ्रेंड? क्या आपका कभी एक बॉयफ्रेंड था, हुआ करता था? चलिए बताइए। वो तो सपने ही रह गए। जल्दी मेरी शादी हो गई थी, कहाँ बॉयफ्रेंड, गर्ल्स कॉलेज में ही पढ़ी शुरू से। नहीं तो आपकी शादी कब हो गई थी? मेरी 21, ग्रेजुएशन करते ही हो गई थी, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ हो नहीं रहा, कोई नहीं मिला। सीधे हस्बैंड मिले।
ओके सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट वी आर यूजिंग इज द डॉट एंड की का स्किन प्लम्पिंग मॉइस्चर इन्फ्यूजन वाटर स्लीपिंग मास्क. तो ये नाइट केयर में यूज होगा बेसिकली, बट क्योंकि हमने सोचा कि हम शूट कर ही रहे तो ये भी लगा लेते हैं. इट इज ऑल्सो सुपर हाइड्रेटिंग. ये बहुत ही हाइड्रेटिंग स्किन केयर रूटीन होने वाला है. तो दिस इज द लास्ट प्रोडक्ट आई थिंक दैट वी हैव. नहीं, इसके बाद थोड़ा सा नेल केयर भी करेंगे. सो फेस के लिए दिस इज द लास्ट प्रोडक्ट. एंड उसी के साथ साथ हमारा क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वो ये है कि मधुलिका जोशी की शादी कब हो रही है. सब यही पूछते रहते हैं. बताइए. इस क्वेश्चन से तो मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ. मुझसे ज्यादा तो लगता है आप तंग आ चुकी हैं. मतलब हमसे भी ज्यादा लगता है लोग तंग आ चुके हैं. मतलब लोगों को बहुत क्या बोल, मैं चुल मच रही है. जानने की 10 बार मैं बता चुकी हूँ. हो जाएगी भाई जब होनी होगी. इसमें इतना ज्यादा क्या टेंशन करना है. बस लोगों उसको काम करने दीजिए. अपना कर रही है अभी अच्छे से. कोई ऐसा वो नहीं है. कोई आपने टेंटेटिव डेट या ईयर सोचा है जब तक करनी पड़ेगी ऐसे करके कुछ? हाँ देखो 1-2 साल में कर लेंगी तो ठीक ही है. और मैं अगर कहूँ कि मुझे मैं 32 की हो जाऊंगी मैं तब करूंगी तो? अब देखिए करोगी नहीं तो जबरदस्ती तो हम तुमको बैठा देंगे नहीं. क्यों नहीं करोगी तो क्या कर लेंगे. कर लोगी तो ठीक ही है. वेरी नाइस आंसर. आई लाइक इट. कमिंग टू नेल केयर. मैंने नेल पेंट ऑलरेडी एक्चुअली लगा लिया था आते ही. मैं रह नहीं पाती हूँ. दिस इज अ न्यू नेल पेंट दैट आई गॉट. ये वाला है फेसेस कैनेडा से एंड दिस वन इज नंबर इसका शेड इज 39 एल्सा. तो बिल्कुल ही फ्रोजन वाले नेल्स हैं ये. बहुत ही प्यारा नेल पेंट है. आई रियली लाइक इट. आपने भी लगा लिया? ये कब लगाया? I didn't know, but इन्होंने भी लगा ली, but इनके nail paint बहुत हट रहा है, तो मैं अभी हटा के फिर से लगाऊंगी. मेरा तो हाथ ही ऐसे हो रहे हैं. उंगलियां देखे काम कर करके भी तो कुछ करते वरते हैं नहीं तो इनके तो. मैं भी काम करती हूँ ठीक है. भले ही मैं घर का काम नहीं करती पर मैं काम करती हूँ. जस्ट सेइंग. तो इसके साथ ही साथ नेक्स्ट इज ट्विंकल 36. ये भी बहुत प्यारा सा पिंक शेड है. दोनों ही थोड़े ग्लिटर वाले शेड में. तो मैं मम्मी का ये वाला हटा के पिंक वाला ही लगाने वाली हूँ. साथ ही साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ओके तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर योर थॉट्स ऑन शॉर्ट ड्रेसेस एंड शॉर्ट्स. मैंने नेल पेंट लगाते लगाते पूछ रही हूँ. मम्मी बता सकती हैं आप? तो शॉर्ट ड्रेसेस जो लड़कियाँ पहनती हैं या शॉर्ट्स पहनती हैं तो उस पर आपका क्या ओपिनियन है? पहनना चाहिए कि नहीं? जिसको जो पहनना है पहने, ठीक ठाक लगे. मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है. और अगर कोई आपके सामने मतलब शॉर्ट ड्रेस पहन के जा रहा है या कोई लड़की घूम रही है तो आप उनको कुछ बोलेंगे? जैसे मोहल्ले की आंटीज बातें बनाती हैं. नहीं. तो आप क्या कहेंगे उनसे? नहीं मुझे नहीं. मुझे तो पता है मेरी भी बेटियां भी जैसे सबके बच्चे लड़कियां एक जैसी होती हैं. क्यों करना जबरदस्ती किसी की बेटी को? मुझे ये चीज़ तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती. लोग कहते हैं इसकी बेटी के कपड़े देखो, इसका वो देखो, उसका वो देखो. ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं. आदत है ही नहीं ऐसी. हाँ. कि मिल के 4-5 लेडीज किसी के घर से कोई किसी की बेटी निकल रही है जा रही है उसको खुश करके मजाक उड़ाना, उसकी बातें करना. हाँ. कान में ये सब मुझे बिल्कुल शुरू से पसंद नहीं है. अब ऐसे भी मुझे बेटियाँ बहुत पसंद है, चाहे वो किसी की हो, चाहे मेरी हो, चाहे किसी और की हो. इसी के साथ हमारा स्किन केयर सेशन खत्म होता है. ये है मम्मी के नेल्स. आप दिखा सकती हैं यहाँ पे. ऐसे दिखाना पड़ेगा. बहुत ही लाइट कलर है एंड बहुत ही अच्छा प्यारा सा कलर है. आई थिंक मुझे भी ये हटा के मैं बहुत जल्दी ये वाला ज्यादा प्यारा है. हाँ हाँ तो मैं भी यही लगाने वाली हूँ. तो नेल पेंट्स ऑल्सो यू कैन गेट फ्रॉम अमेजोन. इसमें तो इतने सारे ऑप्शन है कि मैं बता नहीं सकती. जस्ट चेक इट आउट एंड बाय वन फ्रॉम योर सेल्फ फ्रॉम अमेजोन. आप भी थोड़ा प्रमोशन कर दीजिए अमेजोन का. रिपब्लिक डे सेल चल रही है ना, तो आप बोल दीजिए. बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है और बहुत सी चीजें हैं अमेजोन पे. तो आप कुछ लेंगे इस रिपब्लिक डे सेल में? अब तुमने तो इतना डिजाइन ले ही लिया है, ये सब घर में आ ही गया है. हाँ, मैं तो लेती रहती हूँ. हाँ, हर महीने हम लोग हर चीज अमेजोन से ही ज्यादा तो लेते हैं. एग्जैक्टली. सो गाइस इफ यू लाइक दिस वीडियो यू नो द ड्रिल. बोल दो आप सबको कि मेरे 10,000 जल्दी कर दे यार. इसका कर दीजिए भैया 10,000. सब लोग सब्सक्राइब करिए इसके चैनल को. हाँ और बाय. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस. बाय.